हेलो गाइस, तो अपना चैनल का यूआरएल कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, उसमें देता है कि आपका 100 सब्सक्राइबर जब आपका कंप्लीट होता है उसमें देता है आपको कि आपका मतलब कि यूआरएल चेंज करने का। तो वहां से चेंज हो जाता है, एक बार चेंज होता है उसके बाद वहां पर डिलीट का, यहां पर दिखाता हूं डिलीट का ऑप्शन होता है। वहां पर जब डिलीट करने जाता हूं तो वहां पर डिलीट होता ही नहीं है। तो बहुत सारा कमेंट आया कि भाई ये कौन सा प्रॉब्लम है कि मैं जहां कस्टमाइज चैनल को यूआरएल को चेंज करना चाहता था वहां चेंज नहीं हो रहा। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा वो कैसे चेंज सकते हैं। और वहां पर जो डिलीट का ऑप्शन है उसको सिर्फ क्लिक करेंगे होगा ही नहीं। और इसमें एक मेन प्रॉब्लम है कि जैसे कि मेरा चैनल का नाम मोबाइल नॉलेज है और मान लीजिए मुझे नाम चेंज करके दूसरा रखना है, लेकिन नाम तो चेंज हो जाएगा लेकिन यूआरएल चेंज नहीं हो रहा है। वहां पर डिलीट का ऑप्शन पे डिलीट करते डिलीट ही नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वह चलते फोन के स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको बताता हूं लाइव प्रूफ करके, ठीक है। यहां पर मैं अपना फोन का पहली बात तो स्क्रीन यहां पर स्क्रीन रिकॉर्ड लगा देता हूं और कैसे कैसे क्या क्या करना है सभी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो गाइस यहां पर देखते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया हूं, ठीक है। यहां पर क्या करना है, अपना फोन का क्रोम या आपको गूगल ओपन कर लेना, ठीक है। यहां पर जैसे कि मैं अपना क्रोम ओपन कर लिया, यहां पर क्रोम जैसे ही ओपन किया गाइस आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। मैं यहां होम पेज पे चला जाता हूं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके, ठीक है। यहां पर पूरा होम पेज पे क्लिक कर दिया, आपको जैसे ही ओपन करेंगे गाइस आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है, पहले आपको थ्री डॉट देखने मिलेगा कॉर्नर पर, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे गाइस यहां पर क्या करना है, न्यू टैब आपको ओपन कर लेना, ठीक है। यहां पर जैसे न्यू टैब ओपन करेंगे, न्यू टैब ओपन करने से एक फायदा होता है कि यहां पर YouTube का लोगो देखने मिले, ठीक है। YouTube के लोगो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। YouTube के लोगो पर जैसे ही क्लिक करें यहां पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है, यहां पर उस चैनल का लोगो देखने मिलेगा जिस भी चैनल का आप कस्टमाइज URL करना चाहते हैं, ठीक है, उसको चेंज करना चाहते हैं। क्या करना है, यहां पर लोगो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर उस चैनल का लोगो देखने मिलेगा। फिर क्या करना है, यहां पर थ्री डॉट आपको कॉर्नर पर देखने मिलेगा, ठीक है। यहां पर थ्री डॉट आपको सिंपली क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर क्या करना है, डेस्कटॉप साइड आपको ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइड जैसे ही करेंगे ये आपका जो है फोन ये अब आपका कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा। ये छोटा सा फोन अब कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा नेट इसमें ज्यादा लग सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना, पूरा पेज रिलोड हो जाए तभी आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है। यहां पर पूरा पेज रिलोड हो रहा है, तब तक वीडियो को लाइक कर दे जहाँ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है। क्या करता हूँ इसके बाद, यहाँ पर देखते पूरा पेज रिलोड हो चुका है, यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर क्या करना, चैनल का आपका उस चैनल का यहाँ पर लोगो देखने मिलेगा जिस भी चैनल का URL चेंज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अपने चैनल पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि चैनल के लोगो पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर चैनल के लोगो पर सिंपली क्लिक कर देना है। चैनल के लोगो पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर योर चैनल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर योर चैनल पर सिंपली क्लिक कर देना है। योर चैनल पर जैसे क्लिक करेंगे गाइज यहां पर आपको, यहां पर देखते आपका चैनल देख सकते 1.33K और यहां पर देखते मेरा वो चैनल आ चुका है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, यहां पर कस्टमाइज चैनल पर सिंपली क्लिक कर देना है। कस्टमाइज चैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज यहां पर क्या करना है, कनेक्ट टू स्टूडियो, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। कनेक्ट टू स्टूडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है, इसीलिए वीडियो को जहां थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इसीलिए वीडियो को लाइक कर दे, और जहां आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका जहां सॉल्व हो गया प्रॉब्लम तो गाइस कमेंट बॉक्स खाली कमेंट जरूर कर दे। और जहां आपको कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो गाइस कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। यहां पर पूरा पेज रिलोड हो चुका है, फिर क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है और यहां पर देखते आपको देखने मिलेगा ये, और यहां पर देखते डिलीट का जो है ये डिलीट हो ही नहीं रहा है। और यहां पर क्या करता हूं, देखते यहां पर मोबाइल नॉलेज देखने मिलेगा, यहां पर जूम करके दिखा देता हूं कस्टम URL। क्या करना है, यहां पर आपको लर्न मोर पर क्लिक कर देना है। लर्न मोर पर जैसे क्लिक करेंगे गाइस आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलेगा। यहां पर देखते हैं September 12, 2022 चूजिंग मॉडिफाई एंड डिलीटिंग URL करंटली अनेबल। तो यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है कि आपका 12 सितंबर से काम चल रहा है अभी, मतलब YouTube पे, और ये अभी से डिलीट नहीं होगा, कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं वीक, देखते हैं न्यू नेक्स्ट फ्यू वीक, मतलब थोड़ा सा वीक आपको वेस्ट करना पड़ेगा, 2-3 वीक के बाद से ये आपका चेंज होने लगेगा। और YouTube पे कोई भी वीडियो देखेंगे तो ये कोई भी चेंज करके नहीं बता सकता है, ठीक है। यही लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसे कोई भी वीडियो नहीं देखिए, 3-4 वीक के बाद अपने चेंज होने लगेगा। तो आइए वीडियो को पसंद आएगा गाइस, वीडियो से पसंद आए लाइक कर दें और नीचे सब्सक्राइब बटन दे सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।